नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस ब्लॉग के जरिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगा खान पैलेस, तो जो कि पुणे में है, येरवडा भाग में। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी को बंदी करके रखा था, कस्तूरबा गांधी जी को भी यहाँ पर बंदी करके रखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी की भी समाधि है और बा कस्तूरबा गांधी जी की भी समाधि है। कस्तूरबा गांधी की मेन समाधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आगा खान पैलेस में। उसी के साथ दोस्तों, महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ यहाँ पर लाकर यहाँ पर और एक जो है समाधि बनाई गई है। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर आप किस तरह से आ सकते हो, इसके लिए लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पुणे से, पुणे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप विमान नगर, येरवडा या विश्रांतवाड़ी खराड़ी यहाँ पर हो तो काफी नजदीक आपको यहाँ पर 10 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलिए, अभी मैं आगा खान पैलेस के सामने हूँ, तो पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या टिकट है, किस तरह से अंदर जाना है, क्या क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आगा खान पैलेस के पास आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मेन जो है एंट्री गेट है, तो यहाँ से हम बाइक अंदर लेके, अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, फोर व्हीलर टू व्हीलर के लिए यहाँ पर पार्किंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जो है बाइक अपनी पार्क कर ली है, यहाँ पर देख सकते हो। तो सामने मुझे जो है एक टिकट काउंटर दिख रहा है, तो यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेन एंट्री गेट के सामने ही है। तो देखते हैं कितना टिकट है अंदर जाने के लिए। दोस्तों, मैक्सिमम मुझे फॉरिनर भी यहाँ पर काफी देखने को मिल रहे, तो चलिए सब कुछ देखते हैं आगे जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकट काउंटर, तो अगर आप आगा खान पैलेस को आते हो तो यहाँ पर टिकट काउंटर से आपको टिकट नहीं मिलेगा, खुद ही टिकट जो है स्कैन का ऑप्शन है, गूगल लेंस से यहाँ पर स्कैन करना है, लिंक ओपन होती है। तो लिंक ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर इंडियन के लिए 20 रुपीज़ टिकट है और फॉरेनर अगर है तो 300 रुपीज़ है। तो चलिए, यहाँ पर इंडियन कितने पर्सन है, तो 2 पर्सन है। तो यहाँ पर नेम वगैरह लिखना है, तो मेरा नाम लिख देता हूँ मैं, एज। तो दोस्तों, ऑनलाइन हमारा टिकट निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है 20 रुपीज़ पर हेड ऐसा लिया है ऑनलाइन के लिए। तो चलिए अब एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, पैलेस के अंदर आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुख्य बिल्डिंग है यहाँ की, काफी खूबसूरत नजारा है। तो अंदर जाकर भी देखने वाले, लेकिन ये अंदर का एंट्रेंस भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, गार्डन की तरह बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा जो समाधि, बा कस्तूरबा गांधी की यहाँ पर एक समाधि है और आगा खान पैलेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैलेस है। तो पहले हम समाधि की ओर जाएंगे और समाधि देखेंगे, इस तरफ समाधि है। तो अगर आप एंट्रेंस से, गेट से आओगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आगा खान पैलेस का लोकेशन, डायरेक्शन और समाधि का। तो समाधि को जाएंगे, समाधि पहले देखेंगे। तो समाधि की ओर जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता है और ये सामने समाधि यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं अभी जो है समाधि स्थल पर आ चुका हूँ, यहाँ पर बा कस्तूरबा गांधी की समाधि है। तो चलिए अंदर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर समाधि के लिए बनाया गया है, अभी जो मार्बल की स्थिति में है, लेकिन पहले ये मिट्टी से बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आपको एक बड़ी समाधि, मतलब एक अस्थि कलश है, ये मुख्य महात्मा गांधी जी की समाधि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महात्मा गांधी, तो ये अस्थि कलश है। यहाँ पर जो दिल्ली से कुछ अस्थियां लाकर बा कस्तूरबा गांधी की समाधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है बा कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अस्थि कलश बनाया गया है और ऊपर आपको एक तुलसी का पेड़ भी देखने को मिलेगा। तो आइए, मेरे पीछे आपको और भी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी का यहाँ पर एक समाधि देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों ये मुख्य समाधि है, मतलब कस्तूरबा गांधी जी को जहाँ पर, यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था महात्मा गांधी जी के साथ, तभी उनको जो मरण आने के बाद यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। अभी ये मार्बल की स्थिति में ये भी समाधि, लेकिन पहले मिट्टी से बनाई गई थी। तो यहाँ पर भी एक आपको जो है तुलसी का पेड़ दिखाई देगा। उसी के साइड में दोस्तों, यहाँ पर महादेव जी देसाई की भी एक समाधि आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उनकी भी समाधि, मतलब इन तीनों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था।
तो बंदी बनाते समय दोनों को यहाँ पर जो मरण आया था, जो कि कस्तूरबा गांधी और जो है महादेव जी देसाई। तो ये मेन जो मुख्य समाधि है, लेकिन वहां पर जो है एक अस्थि कलश है। तो कुछ फॉरेनर भी लोग यहाँ पर आए हैं विजिट के लिए, तो आप देख सकते हो पूरा ऑब्जर्वेशन किस तरह से यहाँ पर है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो है समाधि दिखाई, अब हम जा रहे हैं आगा खान पैलेस की ओर। पैलेस में क्या क्या देखने को मिलेगा सब कुछ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं आगा खान पैलेस के पास आ चुका हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बाहर से देखने को मिलेगा, और काफ़ी क्लीन है और गार्डन भी है, हरियाली है। तो काफ़ी लोग अभी आ रहे, संडे है आज, तो आप देख सकते हो ये सब कुछ। तो दोस्तों आगा खान पैलेस दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो दोस्तों आगा खान पैलेस 1892 में तृतीय आगा खान मोहम्मद ने बनाया था। तो दोस्तों इस आगा खान पैलेस को बनाने का मुख्य जो हेतु था, तो वो मुख्य हेतु ये था कि पुणे के आसपास जो गांव थे, उन गांवों में जो है दुष्काल गिरा था, मतलब हर तरफ सूखा था, मतलब वहां पर बारिश कम थी, गरीबी बहुत थी, इस वजह से उन लोगों को रोजगार मिले, इस हेतु से इसका निर्माण किया गया। दोस्तों 1892 में ये जो आगा खान पैलेस है 12 लाख में बनाया गया था, मतलब कि उस समय में इतना खर्चा इस पर किया गया था, इस वजह से 1000 गरीब लोगों को जो है मजदूर मिला था। तो काफ़ी अच्छा हेतु था इसको बनाने का। तो अभी के समय में यहाँ पर जो कस्तूरबा और गांधी जी की जो समाधि है, उस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तब से लेकर अब तक इसकी खूबसूरती नहीं ढली। तो चलिए देखते हैं अंदर जाकर। तो चलिए दोस्तों मेन एंट्रेंस में आ चुका हूं, तो देखते हैं आगा खान पैलेस अंदर से किस तरह से दिखता है। यहां से मेन एंट्रेंस से आ चुके हैं यहां पर, तो उस साइड से एक रास्ता है जहां से हम अंदर जाकर म्यूजियम देख सकते हैं। मैं अभी आगा खान पैलेस में आ चुका हूं, तो जैसे कि मैंने एंट्रेंस दिखाया आपको, तो थोड़े आगे बढ़ते यहाँ पर मुख्य जो एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये मेन गैलरी है बाहर की, तो इसके अंदर जो कि ये आप देख सकते हो पैलेस, इसके अंदर जो है महात्मा गांधी जी की कुछ यादें देखने को मिलेगी, उनकी कुछ मेमोरीज है, उन्होंने यूज़ किए हुए कुछ इक्विपमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। देख सकते हो काफ़ी बड़ा महल है ये, और काफ़ी खूबसूरत भी। अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, हमें अंदर जाना है। अभी साइड से आपको दिखाया, अभी साइड से आप देख सकते हो इस साइड से सभी दरवाजे ओपन है, मतलब यहाँ से हम जो है सब देख सकते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर महात्मा जी की एक स्टेच्यू बनाया गया है, और यहाँ पर बा कस्तूरबा गांधी जी है, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। दोस्तों यहाँ पर ग्लास में कुछ चीजें रखी गई, जैसे कि उनकी चप्पल देख सकते हो, उनकी मालाएं देख सकते हो, तो ये सब कुछ गांधी जी ने यूज किया गया। तो दोस्तों ये दूसरा हॉल है।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप घूमने के लिए आते हो लेकिन यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है पता नहीं चलता। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप आगा खान पैलेस के पीछा हो गए, एकदम मैं अभी पीछे हूँ, तो यहाँ पर वॉशरूम देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने आपको जो है पुणे का आगा खान पैलेस दिखाया, तो यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो भी हमने शॉर्ट में आपको बताई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और थोड़ी सी भी अगर आपको इस वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।